नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात सट्टी थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर कस्बे का है, जहां एक तरफ देश प्रदेश कोरोना की महामारी से परेशान है तथा सरकार लगातार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर नए नए कदम उठा रही है, वहीं कानपुर देहात के जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते जनपद में छोरा छाप डॉक्टर का बोलबाला है, जो कि इलाज के नाम पर मौत की गोलियां बांटते हुए कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी फैलाने में लगे हुए हैं। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ छोरा छाप डॉक्टर के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश देते हैं, तो वहीं कानपुर देहात क्षेत्र के शाहजहांपुर कस्बे में अकील अहमद नाम के क्लिनिक के साथ साथ शाहजहांपुर मुंगीसापुर मोड़ के पास स्थित खान क्लिनिक धड़ल्ले से अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है और लोगों से अवैध तरीके से ज्यादा रुपए वसूलने का कार्य कर रहा है। बड़ी बात तो यह है कि जहां अकील अहमद नाम के क्लिनिक के साथ साथ मुंगीसापुर मोड़ में स्थित खान क्लिनिक गाँव क्षेत्र के भोले वाले मरीजों को इलाज के नाम पर मौत की गोलियां बांटते हुए कोरोना बीमारी को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लिनिक के अंदर भारी मात्रा में भीड़ अपनी बारी का इंतजार कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए इलाज करवाने के लिए लाइन में लगी हुई है। जहां एक ओर देश प्रदेश की सरकार वैश्विक कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार अपील कर रही है, वहीं शाहजहांपुर कस्बे में अकील अहमद क्लिनिक में लोगों से इलाज के नाम पर ज्यादा रुपए वसूल कर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। जब पत्रकारों ने इस कारनामे को कैमरे में कैद किया तो क्लिनिक चला रहे डॉक्टर तथा मेडिकल स्टोर संचालक के हाथ पैर फूल गए और पत्रकार से वीडियो डिलीट करने को लेकर मिन्नतें करने लगे। जब पत्रकार ने वीडियो डिलीट करने से साफ मना कर दिया तो मेडिकल स्टोर और क्लिनिक के संचालक पत्रकार से अभद्रता करने में उतारू हो गए थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कानपुर देहात सीएमओ को जब इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने फोन द्वारा पत्रकार से कहा कि मुझे जब लिखित में शिकायत आएगी तब मैं कार्रवाई करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। अब देखने वाली बात होगी कानपुर देहात सीएमओ देश प्रदेश में फैले कोरोना बीमारी के दौरान शाहजहांपुर कस्बे में खुले अकील अहमद क्लिनिक खान क्लिनिक पर कार्रवाई करती है या नहीं, या योगी सरकार के आदेशों को दरकिनार कर गलत तरीके से खोले क्लिनिकों को बढ़ावा देगी या फिर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेगी। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है क्या आप लोगों के आगे? डॉक्टर साहब है नहीं मौके पर, आप लोग इलाज किस तरीके से कर रहे हो, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, डिग्री क्या है आपकी? इलाज कर सकते हैं, हम तो देश के चौथे स्तंभ है, हमारे हमें किसी चीज की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ अगर आपके पास कागज डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। आप अगर गलत है तो आप ऊपर से हमसे पूछ रहे हैं कि अथॉरिटी है नहीं। हमारा कैसा लाजमी है, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या दिक्कत थी और क्या पूरा मामला है? हम जो था हमारे आधे दर्द दर्द था, ठीक है, उसमें से इन्हीं ने तीन बोतलें चलाई तीन दिन में। तीन बोतलें तीन दिन चलाई थी? तीन बोतलें चलाई थी, जिसमें ताकत के इंजेक्शन डले थे। इन्हीं ने बिल बनाया है टोटल 3200 रुपये का। 3200 का? हाँ। बिल मिला आपको? बिल कहाँ मिला, बिल दिए ही नहीं रहे, बोले बिल दे तो हम पैसे दे दें। बिल देने की क्या कह रहे हैं? अरे बिल नहीं दे पाएंगे तो पैसे ना देना। ऐसा क्यों हो रहा है? अब पता नहीं, नहीं पूछो आप। मतलब बिल नहीं देंगे? ये किसने? अरे बिल नहीं है। ये किसने बोला था? बगुआ भैया ने। ये बगुआ भैया कौन है यार? मेडिकल स्टोर। और दवाई तो क्या था डॉक्टर साहब ने किया होगा क्लिनिक से? नहीं ने बताने चला। क्लिनिक का नाम क्या है? बगुआ मेडिकल स्टोर क्लिनिक। अच्छा, बगुआ मेडिकल स्टोर क्लिनिक भी साथ में चलता है इनका। हाँ। डॉक्टर अकील अहमद? हाँ। ये कौन जगह है? ये शाहजहांपुर।